2006 में मैंने 10वीं पूरी की। 21 मार्च को मेरी परीक्षा खत्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई। हमारी छोटी सी बाइसिकल रिपेयरिंग की दुकान है, तो पापा के जाने के बाद एक निर्णय लिया कि घर के सब प्रेशर डालने लगे कि अभी घर का किसी को तो का ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया, यार अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या करना है, 10वीं कर ही ली थी। सो एक डिसीजन लिया कि अभी पापा के धंधे को वापस रिवाइव करेंगे, पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करेंगे, और पढ़ाई छोड़ने का पूरा मन बना के मैं धंधे में आ गया। उसके बाद फिर रिजल्ट आया 10th का, तब मैं अपने स्कूल में टॉपर था। घर पे आया, सब रो रहे थे। अभी बहुत अजीब लग रहा है, मैं कल इतने सर इतने इंटरव्यूज दिए, मैं कभी नहीं रोया। पता नहीं, चाणक्य मंडल का स्टेज है, अपने परिवार जैसा है, इसलिए रोना आ रहा है। हाँ, तो मैं घर पे आया, मम्मी से बातचीत हो रही थी। फिर मम्मी ने तभी मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग सब काम करने वाले, तू पढ़ाई कर। तो 11th और 12th ये दो मेरी जिंदगी के अभी तक सबसे कठिन वर्ष रहे हैं। मेरा उस समय शेड्यूल ऐसा था, मैं सुबह 7 बजे 6 बजे उठता था, निकलता था 7 बजे कॉलेज, 1 बजे वहाँ से, 2 बजे से रात को 10 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मेरे को 1 मिनट सेटल होने देंगे, या प्लीज। ओके, मुझे यूजुअली रोना नहीं आता है सब बताते हुए, मैं बहुत प्राउड हूँ ये सब चीज़ के लिए। लेकिन गॉड नोज क्यों हो रहा है। ओके, मैंने फिर मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कॉलेज में रहता था, आता था 2 बजे से रात को 10 बजे ट्यूशन पढ़ाता था, 10 बजे रात को दुकान पे जाके हिसाब किताब करके, दुकान बंद करके वापस घर पे आते थे, फिर रात को पढ़ाई, वही 12-1 बजे तक सोना, जैसे अभी शेड्यूल है वैसे तभी भी था। तो मेरी मम्मी उस समय दुकान चलाती थी, मेरी बड़ी बहन है मुझसे एक, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशंस पढ़ाती थी। तो मेरा 11th 12th जो है पूरा इसी तरह से गया हुआ है। तो मुझे अभी मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा था और मुझे एडमिशन लेने के लिए, वो अभी डोनेशन लगता है ना, तो 10,000 रुपये हमारे यहाँ एक ही कॉलेज अच्छा जहाँ पे पढ़ाया जा सकता, सो वहाँ पे 10,000 रुपये डोनेशन था, भरना था, पैसे नहीं थे। तो ऐसा मैं और मम्मी ऐसे दुकान पे बाहर बैठ के ऐसे चर्चा कर रहे थे। मैं बोला मम्मी को, मम्मी जाने दो, क्या करना है, मेरा मन वैसे भी बन चुका था, मेरे को दुकान करना है ना। सो मैं बोला मम्मी जाने दो, क्या करना है पढ़ाई करके, मैं 1 साल रुकता हूँ, अगले साल वापस से देखा जाएगा कुछ होगा कि। और मम्मी वैसे मायूस बैठी थी। तो मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे, वो डॉक्टर मेरे दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा निकले थे, और वो मुझे देख के रुके, वहाँ पे रुके, उन्हें पूछा क्या चल रहा है। तो मैंने पूरा इंटरव्यू बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने सोचा है मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, है ना। तो उन्होंने अपनी जेब से तुरंत 10,000 रुपये निकाल के दिया, बोला ये लो जाओ एडमिशन करवा के आओ। लिस्ट, सेकेंड लिस्ट लगने को आधा घंटा बाकी था तब मैं वहाँ पहुँचा, है ना, और बहुत रिक्वेस्ट की, लिस्ट बन चुकी थी सेकेंड लिस्ट, है ना, बहुत रिक्वेस्ट की, ऐसा करके मेरा 11th 12th का एडमिशन हुआ। एडमिशन तो हो गया, 600 रुपये महीना फीस है, क्या किया जाए। तो मैं जब पहले एडमिशन लिया तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ क्लियर थी, मैं पैसे भरने वाला नहीं हूँ, है ना। मैं बोला मैं जी तोड़ पढ़ाई करूँगा, मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँगा, और मैं बाद में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी फीस माफ़ कर दी जाए। पहले ही महीने में मैं क्लास में, अभी भी जो लोग जानते हैं मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, मैं एक भी क्वेश्चन पूछ लो तो सब, थोड़ी आवाज़ मजबूत लगती है ना। तो सारे टीचर्स इंप्रेस हो गए और सबने सबको पता चल गया था कि मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है। 2 साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने भरी है, मैंने 1 रुपया फी भरा नहीं है 11th 12th। इसके बाद 12th का CET वगैरह दिया, ये सबके मैंने 1 रुपया मेरी पढ़ाई पे आज तक खर्चा किया नहीं है। मेरी मम्मी ने किया है, ऑफकोर्स बहुत कम किया कंपेरेटिवली। मेरे को सबका, मेरे फॉर्म्स का पैसा कोई भर देता था, मेरे बुक्स का पैसा कोई दे देता था, ऐसा हुआ है। CET दी, CET में 180 मार्क्स आए 200 में से, ये हुआ कि एडमिशन लेना है। अब इंजीनियरिंग में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो मम्मी ने 2 साल में पैसे जमा करके रखे थे, बहन कमाती थी, मेरी सैलरी थी। फर्स्ट ईयर का हो गया, बोला फर्स्ट ईयर में जाके 1 लाख रुपए का पूरा बजट था, 70,000 फीस, रहना खाना, 1 लाख रुपए का बजट था। बोला ठीक है, अपना फर्स्ट ईयर हो गया, एडमिशन ले लिया। अगेन सेम थिंग, मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर का फीस भर दिया, सेकेंड ईयर का फीस भरने का नहीं है। फर्स्ट ईयर में आया, सबने डराने लगे, यार इंजीनियरिंग में तो बैकलॉग लगता ही है ना।
बिना बैकलॉग के अगर तू पास हो गया तो तू इंजीनियरिंग की ही नहीं है, ठीक है? जो टॉपर लोग होते हैं वो अलग ही दुनिया के होते हैं। सो मैं थोड़ा सहम गया, लोगों ने क्लासेस वगैरह लगा लिए, सब्जेक्ट के लिए मैं क्लासेस लगा नहीं सकता था। तो मैंने फुल टाइम अच्छी तरह से मैंने बोला यार इनको हटाओ, मेरे को जो करना मैं वो करता हूँ, ठीक है? ये एटीट्यूड मेरे अंदर मेरी मम्मी की वजह से आया, मेरे को जो करना है उस पर ध्यान देता है, दुनिया क्या बोल रही है उसे क्या करना है, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ाई शुरू की, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 86% आया, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। जब 86% आ गए, सारी टीचर्स ने नोटिस किया, अरे 86% उस MIT का रिकॉर्ड है। अब बाद में ब्रेक हो गया, अभी तो कुछ भी आ जाते मार्क्स, ठीक है? उस समय रिकॉर्ड था, तो टीचर्स ने नोटिस किया, अरे ये कौन है? फिर माधवीलता मैडम नाम की एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, तो वो उन्होंने मेरे को राखी बांधी है, शी इज़ माई राखी सिस्टर। तो उन्होंने बुलाया, अरे वरुण क्या है? तो मैंने मैम को पूरा सिचुएशन घर की मेरी एक्सप्लेन की, और उन्होंने एक प्रोफेसर से लेकर डीन से लेकर डायरेक्टर से लेकर हर एक को मेरी सिचुएशन पहुंचा दी, एंड उस वहां से एक प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है? सेकेंड ईयर तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, तो मेरी फीस मेरे फ्रेंड्स ने भरी है ना, फ्रेंड्स ने, उनके पेरेंट्स ने। मेरा एक फ्रेंड शायद यहीं बैठा है, भी आया है, मैसेज आया था। ओके, तो सेकेंड ईयर में ऐसा हो गया, फिर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मेरे को फ्रीशिप मिल गई, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। इंजीनियरिंग होने के बाद अभी ये सिविल सर्विसेज का भूत कैसे आया, अभी इंजीनियरिंग के बाद मैं प्लेस, मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ यूनिवर्सिटी का। ऐसा था कि अभी इंजीनियरिंग के बाद क्या, जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यूज दिए, जॉब्स लग गई मेरे को, बहुत 5-6 जगह से अभी भी ऑफर्स हैं, मतलब स्टैंडिंग है, बोला कि अभी भी आपको आना है, आप कॉल करो आ जाओ, ठीक है? सो प्लेसमेंट अच्छी हो गई थी, लेकिन हमको भूत सिविल सर्विस का तब तक चढ़ चुका था। सबसे पहले मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिली थी, तो मैंने बोला यार कॉर्पोरेट में नहीं जाते हैं, हमको अपने टेक्निकली रहना है, हम पब्लिक सेक्टर में जाएंगे। पब्लिक सेक्टर की तैयारी मतलब गेट वगैरह की, मैंने गेट थर्ड ईयर में दी थी, मेरा रैंक 384 आया, फाइनल ईयर में दी 143 आया, बोला यार अब तो सेट है, IIT मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। ये PSU का जॉब मिल गया, तब मैं कुछ लोगों से मिलने गया, है ना, ऐसे ही चर्चा करते करते, तो उन्होंने बोला यार तू टेक्निकली इतना अच्छा है ना, यू आर सो गुड, यू आर सो ब्राइट, व्हाई डोंट यू गिव IES इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब मैंने सिलेबस देखा, बोला यार ये तो अपना ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज तैयारी शुरू करते। तो अभी तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, मैंने गेट दे दी थी और आई वॉज अबाउट टू टेक एडमिशन। तो मैंने बोला यार इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हैं, PSU छोड़। तो मैंने PSU को नहीं लिया, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू की, 3-4 महीना मैंने वो किया, ठीक है, 3-4 महीना वो किया। तब लोगों से बातचीत चालू ही रहती है, आप वैक्यूम में जाके पढ़ाई नहीं शुरू करते, है ना, सो आप लोगों से बातचीत करते। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया है तू इतना ब्राइट है ना, तू इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों कर रहा है, तू सिविल सर्विसेज देख, है ना, वो तो और बड़ी पोजीशन है। तो मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है ना, तो सिविल सर्विसेज का देखते हैं क्या है। तो पहले तो उठाया हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं समझा, मैं बोला यार ये तो सर का दर्द है ना। तो उसके बाद मैंने बोला करेंगे, तो मैं एक जन से मिलने गया था, मैं यहाँ पे दूसरा रीज़न बताता हूँ हम क्यों पीछे रह जाते हैं। मैं एक जन से मिलने गया था, वो बोल रहे थे कि यार UPSC में जो पास होते हैं ना ये तो 30 मार्क खान होते हैं, है ना, मतलब ये। तो देखो जब भी आप जब आप खुद को सब स्टैंडर्ड समझने लगते हो कि यार वो 30 मार्क खाने में सब स्टैंडर्ड हूँ, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सब स्टैंडर्ड में कभी कॉम्पिटिशन नहीं होता, ठीक है? अगर आप खुद को सब स्टैंडर्ड मान लिए है तो आप कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम्पीट ही नहीं कर सकते, है ना। तो मैं जब उनसे मिलने गया था तो मैंने उनको बोला था कि वो होगा 30 मार्क खान, मैं भी 30 मार्क खानूँ। घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो मम्मी बोल रही थी यार अब तो जॉब करना है, अब मैं थक गई हूँ, मेरे को पैसे चाहिए अभी, और मेरे को सिविल सर्विसेज का भूत चढ़ा था। तब मैं मम्मी 10-15 दिन मेरी मम्मी मेरे से बहुत नाराज थी, बोलती नहीं थी, बातचीत हमारी होती थी, लेकिन आपको समझता है राइट, मम्मी और बेटे का एक कनेक्शन होता है, आपको समझने लगता है कि आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है। लेकिन तब तक मेरी ज्वाइनिंग की डेट जा चुकी थी, मम्मी भी कुछ कर नहीं सकती थी, तो मम्मी ने भी फिर मेरे को सपोर्ट किया, बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को फुल सपोर्ट किया किसी भी तरीके से। अब आ गया जनवरी का टाइम, जनवरी 2013 मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। जनवरी 2013 मैंने प्रिपरेशन शुरू की, मई 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को प्रीलिम्स देनी है। मेरे पास 4 ही महीने थे प्रिपेयर करने के लिए, तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है? 4 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है मैं लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस करता हूँ, मैं अभी उस पर 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेता हूँ उस पर, ठीक है? तो 4 महीने में मैंने न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, प्रायोरिटाइज़ किया, सारे सब्जेक्ट्स नहीं किए, मैंने एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है? और मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ वहाँ से, कभी कभी चला जाता हूँ यार नहीं अपनी बस की बात नहीं है,
तो मैंने बहुत सिलेक्टेड स्टडी की, बहुत फोकस स्टडी की, 4 महीने में मैंने प्रीलिम्स दी। अब प्रीलिम्स देने के बाद एक फीलिंग आ जाती है, यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकला तो अरे वो फीलिंग थी, अरे यार अपना प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, अब मेंस की तैयारी करना शुरू करना है। ओके ठीक है, मेंस की तैयारी शुरू। अब मेंस के लिए ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। अब ऑप्शनल मैं लोगों से पहले बात की थी तो बोला था ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा है, पबैड अच्छा है, बहुत लोग लेते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू की। ज्योग्राफी पढ़ा, वो सविंदर सिंह उठाया, अरे यार ये क्या बोल रहा है, दो चैप्टर्स इतने ज़्यादा हो गए कि कुछ समझ नहीं रहा था। बोला यार ज्योग्राफी अपने बस की बात नहीं है, हटाओ। पबैड उठाया वो थिंकर्स की लिस्ट, अरे बाप रे सर दुखने लगा, तो पबैड हटाया। उसके बाद मैंने एंथ्रो उठाया, वो हटाया, साइकोलॉजी उठाया, वो हटाया। अब इसमें जो है, अब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मेरा ऑप्शनल फाइनल नहीं हुआ था। अब ऐसी हालत में क्या किया जाए। मैं चिन्मय भैया के पास गया, अरे चिन्मय भैया ये क्या हो गया है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चिन्मय भैया ने बोला एक काम कर, तो अब तू पोल साइंस पढ़ के देख, ठीक है। तो मैंने पोल साइंस की शुभ्रा रंजन की बुक है, मैंने वो उठाई और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो मैं वो पढ़ा। मैं बोला हाँ यार ये जम रहा है अपने को। लेकिन तब तक मेरा तो अभी भी फाइनल नहीं हुआ था, मेंस के फॉर्म भरने का मौका आ गया था, है ना। अब मैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तो मैं सारी बुक सामने लेके बैठा था, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, है ना, और मैं सोच रहा था मैं ऑप्शनल कौन सा भरूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने वहाँ पर पोल साइंस डाला, और उसके बाद मैंने पोल साइंस लिया, बोला अभी ये सब साइड हटाएगा, मेरा ऑप्शनल पोल साइंस है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद मैंने पोल साइंस की प्रिपरेशन शुरू की। दिसंबर में मेंस थी, मेंस में मेरा GS1 GS2 का पेपर बहुत ख़राब गया था, मतलब मैं ऋषिकेश भैया मेरे साथ ही थे, है ना, और GS1 का पेपर निकलने के बाद मैं डिप्रेस था, मैं खाना नहीं खाया था। वो ब्रेक होता है बीच में 2 घंटा, मैं बोल रहा था भैया मेरा, मैंने 125 का अटेम्प्ट किया है 250 में से, वो बाद में ज़्यादा था, मैंने उस समय मिस कैलकुलेट किया था, हाँ ठीक है। तो भैया मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया है, हाँ, तो मैं एकदम प्रेशर में था, लेकिन अटेम्प्ट कम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा रीज़न क्या है सेलेक्ट होने का, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है। मैंने मेरे आंसर्स को हमेशा ओरिजिनल रखा है, मैं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से मैंने कभी डाइजेस्ट फॉलो नहीं किया कोई, मैं अपने आंसर्स खुद बनाता हूँ। मैं नोट्स मेकिंग का मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, 4 फायदे हैं वगैरह वगैरह। नीचे बैठे थे, रिजल्ट आने वाला, मेरे को चिन्मय भैया का फोन, चिन्मय भैया का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, तो मैं चिन्मय भैया को फ़ोन लगाया, भैया आपने रिजल्ट देखा क्या? तो भैया बोले हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ। तो मैंने पूछा भैया आपने रैंक देखी क्या मेरी कितनी है, तो भैया ने बोला 32। मैं बोला हाँ 32 कितना, 132 कितना, 32 है ना। सो भैया ने बोला नहीं ओनली 32। मैं बोला अरे बाप रे, तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अरे यार अपनी ओनली 32 रैंक है, है ना। सो ये विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि UPSC आंसर्स कैसे इवैल्यूएट करती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो अटेम्प्ट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर आपके आंसर्स ओरिजिनल है तो अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम भी होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपसे जो गलतियां हो गई हैं आपके और सोचने से वो गलतियां करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। आपका काम ये है जो गलतियां हो गई हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए आगे की आप प्लानिंग कैसे कर रहे हो। मैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर करता था मैं ये बताता हूँ, मैंने क्लास में बहुत बार बताया। हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको 10 टर्म्स नहीं दिखाई देते, है ना, कि यार मेरे को ये 10 टर्म्स की स्टडी करनी है आज। तो मैं एक नोटबुक बनाई थी, मैं उसमें वो सारे टर्म्स लिखता था कि आर्टिकल 72 पढ़ना है, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाता था तो मैं इंटरनेट पर रोज़ 2 घंटा का मैंने टाइम रखा था कि 2 घंटा बैठ के वो टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना है। तो इंटरनेट पर बैठे तो कई बार क्या होता है, 10 टॉपिक्स आपने लिखे तो 5 ही टॉपिक्स हो पाते हैं, किसी दिन अपने को आलस हो जाता है तो अपन 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके वो 5 हो गए तो दूसरे दिन में चले जाते हैं, तो आपके दूसरे दिन ऐसे बैकलॉग जो है बढ़ता जाता है। तो कई बार क्या होती है, वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, फिर एक दिन सडनली टेंशन आने लगता है, यार ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई है ना, अब इसको क्लियर करने में अपना पूरा दिन जाएगा। तो जब ऐसा होता था तो मैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता था, वो बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे, ठीक है। सो अभी जो गलतियां हो गई हैं, ठीक है, उनको करेक्ट करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स के केस में काम करता है क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें रिपीट होती हैं, है ना। आपने जो 1 महीने पहले पढ़ा था अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो उसको कोई ना कोई फॉलोअप करेगा, ठीक है, तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ दिखेगी, आप फ्यूचर में उसको वापस से इंटरनेट पर रेफर कर सकते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर के केस में ये बैकलॉग क्लियरेंस का केस चलता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने मेरी UPSC की तैयारी की, मेंस क्लियर हो गए, ठीक है। अभी इंटरव्यू में क्या करना है ना, इंटरव्यू में जाते टाइम मैंने तो पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है, है ना। मैं जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया है, लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। सो मुझे पता नहीं था क्या करना है इंटरव्यू में। UPSC इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बाहर जैसे लोग डराते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इंटरव्यूज नहीं दिए हैं ना वो डराते ज़्यादा हैं, जो इंटरव्यूज देके आए हैं आप उनसे बात करेंगे ना तो वो बताएंगे नहीं यार मस्त है, चिल रहते हैं, आराम से जाओ देख के आओ। उसके बाद आज का दिन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ।